हेलो फ्रेंड्स, मैं निखिल कुमार, एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी ई पाठशाला में। सीजीपीएससी ई पाठशाला में आज का हमारा टॉपिक है छत्तीसगढ़ करंट अफेयर, जिसमें हम चर्चा करने वाले हैं आपके मई माह के करंट अफेयर पर। आज के इस वीडियो में हम कुछ चर्चित स्थान, छत्तीसगढ़ के कुछ रिकॉर्ड रैंकिंग और साथ ही साथ अभी हाल फिलहाल में हुए जो छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव हुए थे उससे कुछ आंकड़े को हम देखेंगे। देखिए, इससे पिछले वीडियो में मैंने आपका इंडिया लेवल पर जो लोकसभा चुनाव संबंधित जो इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट है उस पर वीडियो बनाया था। उसे मैंने एक चीज कवर नहीं किया है, मोदी कैबिनेट, मतलब मोदी नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में किस किस मंत्री को कौन कौन सा विभाग आवंटित हुआ है उस पर, उसको मैंने कवर नहीं कराया उसमें। तो देखिए, उसको अलग से कवर कराने की जरूरत नहीं है, आपको नरेंद्र मोदी जी के कैबिनेट में जो हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी है उनको याद रखना है। हाई प्रोफाइल पर्सनैलिटी मीन्स अमित शाह को कौन से आपके विभाग मिला है, उसके बाद राजनाथ सिंह को क्या मिला है, निर्मला सीतारमण जिन्हें वित्त मंत्रालय मिला है, जो कि स्वतंत्र भारत की पहली पूर्णकालिक आपकी वित्त मंत्री है। इससे पहले अतिरिक्त प्रभार के तौर पर आपके इंदिरा गांधी ने वित्त मंत्रालय को संभाला था, लेकिन पहली पूर्णकालिक आपके वित्त मंत्री कौन है स्वतंत्र भारत की, तो वो है आपके निर्मला सीतारमण। उसके बाद आपको स्मृति ईरानी का याद रखना है, स्मृति ईरानी जिन्होंने अमेठी में आपके राहुल गांधी को हराया है। ठीक, तो ऐसे दो चार आपके हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटी है, एक है आपके एस जयशंकर जिन्हें विदेश मंत्रालय मिला है, विदेश मंत्री है वो भारत के, तो ऐसे कुछ हाई प्रोफाइल जो पर्सनालिटी है उनको थोड़ा अलग से याद रखिएगा। ठीक, तो बाकी जो भी इंपॉर्टेंट डाटा और फैक्ट है उसे हम पिछले वीडियो में कवर कर चुके हैं। ठीक, तो चलिए आज के वीडियो हम शुरू करते हैं छत्तीसगढ़ करंट अफेयर मई माह। देखिए, सबसे पहले नंबर पर है आपका चर्चित स्थान। चर्चित स्थानों में पहला है आपका रामपाल ग्राम। रामपाल ग्राम, देखिए जो रामपाल ग्राम है यह है आपके जगदलपुर बस्तर में। जगदलपुर बस्तर इंद्रावती नदी के तट पर स्थित यह रामपाल ग्राम, जहाँ पे एक प्राचीन शिव मंदिर है उसका एक जीर्णोद्धार किया जा रहा था, यानी उसे पुनः निर्मित किया जा रहा था, तो उसके लिए इस रामपाल ग्राम के उस मंदिर में आपके खुदाई कार्य किए जा रहे थे। तो खुदाई के दौरान वहाँ पर आपके 1500 साल पुराने आपके नलवयुगीन ईंटें मिले हैं। आप सभी को मालूम है छत्तीसगढ़ में आपके नल वंश का शासक था, तो वही है 1500 साल पुराने नलयुगीन आपके ईंटें मिले हैं। साथ ही साथ यहां पर खुदाई के दौरान आपका 182 साल पुराने कांसे की घंटी मिली है, 182 साल पुराने कांसे की घंटी मिली है, जो कि आपके ब्रिटिशकालीन घंटी है। ब्रिटिशकालीन कांसे की घंटी 182 साल पुरानी जो कि इस मंदिर प्रांगण में खुदाई के दौरान मिली है। इस जो कांसे की घंटी है उसमें अंकित है रॉयल कंपनी लंदन 1836। कांसे की घंटी जो कि मिली है आपके 182 साल पुरानी ब्रिटिशकालीन, उसमें अंकित है आपकी रॉयल कंपनी लंदन 1836। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। रामपाल ग्राम जो कि इंद्रावती नदी के तट के किनारे आपके जगदलपुर बस्तर में स्थित है, जहां पे मंदिर के जीर्णोद्धार के लिए जब वहां पे खुदाई की जा रही थी तो वहां पे आपके 1500 साल पुराने ईंटें मिली है जो कि नलवयुगीन आपकी ईंटें है। साथ ही साथ यहां पे 182 साल पुराना आपका एक कांसे का घंटी मिला है जो कि ब्रिटिशकालीन कांसे का घंटी है तथा उसमें अंकित है आपका रॉयल कंपनी लंदन 1836। ठीक, नेक्स्ट है आपका रीवा लखौनी ग्राम। रीवा लखौनी ग्राम यह है आपके आरंग रायपुर में। आरंग रायपुर में आपके रीवा लखौनी ग्राम के आसपास अभी आपके उत्खनन कार्य प्रारंभ हो रहे हैं। देखिए, ये तो अभी जून का करंट अफेयर है लेकिन मैं इसको मई में ही लेते हुए चल रहा हूँ। देखिए, ये जो रीवा लखौनी ग्राम है यहाँ पर अभी खुदाई कार्य अभी प्रारंभ हुआ है। प्रारंभिक स्तर पर जो आपके यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य मिले हैं या जो प्रमाण मिले हैं, तो इससे यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस रीवा लखौनी ग्राम के क्षेत्र में आपके पहली से दूसरी सदी के आसपास के आपके यहाँ पे पुरातात्विक साक्ष्य और भी मिल सकते हैं। स्पेशली आपके मौर्यकालीन साक्ष्य और सोमवंशकालीन साक्ष्य मिल सकते हैं। मौर्यकालीन, मौर्य वंश आप सभी को मालूम होगा मौर्य वंश, और दूसरा है आपका सोमवंश जो हमारे छत्तीसगढ़ में क्षेत्रीय स्तर का एक राजवंश था। ठीक, तो यहाँ पे पहली से दूसरी सदी स्पेशली मौर्य युग से संबंधित और आपके सोमवंश जो कि छत्तीसगढ़ का एक क्षेत्रीय राजवंश था, सोमवंश से संबंधित साक्ष्य मिलने की यहाँ से संभावना है। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अभी प्रारंभिक स्तर पर खुदाई में यहाँ पे आपके रीवा लखौनी ग्राम आरंग में आपके पूर्वमुखी बौद्ध स्तूप मिला है। एक बौद्ध स्तूप है जिसका डायरेक्शन आपके पूर्व की ओर है, तो इसका नाम रखा गया है पूर्वमुखी आपका बौद्ध स्तूप। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ठीक,
नेक्स्ट है आपका जमराव ग्राम। जमराव ग्राम ये है आपके पाटन दुर्ग में। देखिए अभी इन दिनों अभी क्या होता है, देखिए कोई भी आपका पुरातात्विक जो उत्खनन कार्य है, खनन कार्य किए जाते हैं पुरातात्विक साक्ष्य के लिए, वो किए जाते हैं बरसात से पहले। यही कारण है कि आपके ये जो इतने सारे जो आपके जगह दिख रहे हैं, ये अभी बरसात आने वाला है करके बहुत सारे जगहों में आपके उत्खनन के लिए अभी परमिशन मिला है। ठीक, तो देखिए ये है आपका जमराव ग्राम पाटन दुर्ग। यहाँ पर आपके खारून नदी घाटी सभ्यता, ये जो आपका जमराव ग्राम है ये आपका खारून नदी के तट के किनारे है। ठीक, इसलिए इसे खारून नदी घाटी सभ्यता के तौर पर भी इसे जाना जाता है। खारून नदी घाटी सभ्यता में जैसे आपके जमराव ग्राम हो गया, आपका तरी घाट हो गया, पाटन हो गया, ये सभी के सभी आपके खारून नदी के तट पर बसे हैं, इसलिए इसे खारून नदी घाटी सभ्यता के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, देखिए यहाँ पे अभी प्रारंभिक तौर पर आपके दो टीलों की खुदाई होने वाली है। अभी परमिशन मिला है आपके पुरातात्विक साक्ष्य कलेक्ट करने के लिए, यहाँ पे अभी खुदाई कार्य प्रारंभ किए गए हैं। तो यहाँ पे अभी दो टीलों के प्रारंभिक तौर पर खुदाई कार्य प्रारंभ किया गया है, जिसमें यह संभावना जताई जा रही है कि इस क्षेत्र से 2000 साल पुराने इतिहास के साक्ष्य मिल सकते हैं। 2000 साल पुराने इतिहास के साक्ष्य, जैसे मैंने कहा 2000 साल पुराने साक्ष्य हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है। तरी घाट में मिला है आपके, कुषाणकालीन साक्ष्य मिले हैं, कुछ मंदिर मिले हैं, कुछ मूर्तियाँ मिले हैं, कुछ मनके मिले हैं। तो इस आधार पर ये और अनुमान लगाया जा रहा है कि जब तरी घाट वाले क्षेत्र से जब हमें 2000 साल पुराने इतिहास मिले हैं, तो हो सकता है कि इस जमराव ग्राम वाले क्षेत्र में यदि हम उत्खनन करें तो और भी हमें आगे साक्ष्य मिल सकते हैं। ठीक, तो खारून नदी घाटी सभ्यता जमराव ग्राम पाटन दुर्ग में स्थित है। नेक्स्ट है आपका इमली प्रसंस्करण केंद्र यूनिट प्रस्तावित। अभी हाल फिलहाल में आपके बस्तर प्रवास में गए थे हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी, उन्होंने अपने बस्तर प्रवास के दौरान ये घोषणा की है कि इमली प्रसंस्करण केंद्र, आप सभी को मालूम होगा कि छत्तीसगढ़ में जो इमली की सबसे बड़ी मंडी है वो आपकी मौजूद है जगदलपुर में, तो वही इमली से और भी अलग अलग प्रोडक्ट बनाए जा सकते हैं। तो वो प्रोडक्ट जो बनाते हैं वो कहलाते हैं आपके प्रसंस्करण। इमली से आपके जैम बन सकते हैं, आपके बहुत सारे आपके इमली के जैसे बहुत सारे आपके चॉकलेट बनते हैं, मिठाइयाँ भी बनती है। ठीक, तो ये सारे चीज़ों के लिए मतलब इमली से और भी अलग अलग आपके एक कमर्शियल प्रोडक्ट बनाने के लिए वहाँ पे आपका इमली प्रसंस्करण केंद्र एक घोषणा की गई है आपके मुख्यमंत्री के द्वारा। ये स्थापित किया जाएगा बस्तर में स्थापित किया जाएगा, लेकिन पर्टिकुलर जगह कहाँ होगा, कहाँ अलॉट की जाएगी भूमि, ये अभी बाकी है अलॉट किया जाना, इसलिए अभी याद रखिएगा प्रस्तावित है इमली प्रसंस्करण यूनिट बस्तर। नेक्स्ट है आपका कागज कारखाना, इसकी भी घोषणा की है आपके भूपेश बघेल जी ने। ये खुलेगा आपका भोपालपट्टनम बीजापुर। बीजापुर के भोपालपट्टनम में आपके कागज कारखाना खोले जाने की घोषणा की गई है। ठीक, अगर ये कागज कारखाना खुलेगा तो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी ने ये घोषणा किया है कि ये कागज कारखाना एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना होगा। देखिए कितनी भूमि अलॉट हुई है, कितने लागत से हो रहा है, उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि ये एशिया का कितना बड़ा आपका कागज कारखाना होगा या एशिया का सबसे बड़ा कागज कारखाना होगा। लेकिन अभी फिलहाल के लिए आपके भूपेश बघेल जी ने घोषणा किया है कि ये अभी हम मतलब ये प्रस्तावित है, ये अगर बना कारखाना तो ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा आपका कागज कारखाना होगा। ठीक, भोपालपट्टनम आपका बीजापुर में। ठीक, देखिए ये प्रस्तावित है अभी इस पर कन्फर्म नहीं है, जब इसमें आगे कुछ भी अपडेशन होगा तो मैं आपको बता दूंगा। ठीक, नेक्स्ट है आपका राज्य का सबसे गर्म शहर अभी विगत 2-3 सालों से है आपका बिलासपुर। न्यूज़ में आया था बिलासपुर। देखिए राज्य का सबसे गर्म शहर, आप सभी को मालूम होगा और आप काफ़ी समय से पढ़ते आ रहे होंगे कि राज्य का सबसे गर्म शहर है आपका जांजगीर चांपा। यदि जिला बोले तो जांजगीर चांपा, शहर बोले तो चांपा। ठीक, लेकिन अभी न्यूज़ में आया है कि जो आपका छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर है वो है आपका बिलासपुर। बिलासपुर पिछले 3-4 सालों से बिलासपुर का जो टेम्परेचर है वो बाकी अन्य जिलों से काफ़ी ज़्यादा है या बाकी छत्तीसगढ़ के अन्य शहरों से काफ़ी ज़्यादा है। पिछले यदि हम रिकॉर्ड देखें तो पहले नंबर पे था आपका जांजगीर चांपा, दूसरे नंबर पे था रायपुर और तीसरे नंबर पर था आपका बिलासपुर। लेकिन पिछले 3-4 सालों से पहले नंबर पर आपका बिलासपुर हो चुका है। ठीक, यदि आपसे प्रश्न पूछा गया कि छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म शहर कौन सा है, यदि उसमें आपका जांजगीर चांपा ऑप्शन में नहीं है, जैसे ऑप्शन में है आपका बिलासपुर है, दुर्ग है, रायपुर है और आपका महासमुंद है, यहाँ पर जांजगीर चांपा यदि ऑप्शन में नहीं है तो आप लगाइएगा बिलासपुर। लेकिन यदि ऑप्शन में जांजगीर चांपा है तो जांजगीर चांपा लगाइएगा। क्यों? क्योंकि ये न्यूज़ का अपडेशन है, ऑथेंटिक सोर्स नहीं है। छत्तीसगढ़
छत्तीसगढ़ संदर्भ में अभी भी चांपा को आपका सबसे गर्म शहर लेते हुए चल रहा है। ठीक, नेक्स्ट है यूरेनियम उत्खनन। यूरेनियम उत्खनन अभी आपके सेंट्रल यूरेनियम सर्वे, ये जो है इसका सर्वेक्षण किया गया आपके सूरजपुर, सूरजपुर के प्रतापपुर ब्लॉक में, सूरजपुर के प्रतापपुर ब्लॉक में आपका जजावल ग्राम में आपके यूरेनियम के प्रमाण मिले हैं और यहाँ पे उत्खनन कार्य किए जाने के लिए परमिशन मिल चुका है। ठीक, हमारे छत्तीसगढ़ में 3 जिले ऐसे हैं जहाँ पे यूरेनियम के होने के प्रमाण हैं। एक है आपका सरगुजा, दूसरा है सूरजपुर और तीसरा है राजनांदगांव। इन 3 जिले में आपकी यूरेनियम पाए जाने की संभावनाएँ काफ़ी ज़्यादा है। अभी ये पहला यूनिट है जो आपका जजावल प्रतापपुर ब्लॉक सूरजपुर, ये पहला क्षेत्र है जहाँ पे यूरेनियम के लिए उत्खनन कार्य किए जाने के लिए परमिशन मिल चुका है। तो आपका ये जजावल ग्राम प्रतापपुर ब्लॉक सूरजपुर में यूरेनियम उत्खनन प्रारंभ होने वाले हैं। लगभग 700 करोड़ की लागत से ये आपका माइनिंग यहाँ पर स्टार्ट होने वाला है। ठीक, नेक्स्ट है आपका मंडीप खोल। मंडीप खोल गुफा, देखिए अभी कुछ समय पहले मंडीप खोल गुफा काफ़ी चर्चा में आया। ये जो मंडीप खोल गुफा है यहाँ पे एक शिवलिंग है, मंडीप खोल गुफा यहाँ पे एक शिवलिंग है। ये जो गुफा है ये गुफा साल में एक बार खुलता है, अक्षय तृतीया, अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार में केवल एक दिन के लिए ये गुफा खुलता है। यहाँ पे एक शिवलिंग है, ये मौजूद है आपका गंडई राजनांदगांव में, गंडई राजनांदगांव में ये गुफा मौजूद है। ये काफ़ी चर्चा में रहता है ये गुफा आपके अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले सोमवार के लिए, धार्मिक आस्था का प्रतीक है। यहाँ पे एक आपका राज परिवार है, राज परिवार का नाम मेरे को एक्चुअली याद नहीं आ रहा है, ठाकुर टोला ऐसे करके कुछ राज परिवार है, ठीक कन्फर्म नहीं है। तो वो जो राज परिवार है वो राज परिवार अक्षय तृतीया के बाद पड़ने वाले पहले सोमवार को यहाँ पे सुबह 4 बजे स्वयं पूजा अर्चना करके लोगों के दर्शन के लिए इसे खोलते हैं। इस जगह में जाने के लिए एक नदी को 16 बार क्रॉस करना पड़ता है, एक ही नदी है जिसे 16 बार क्रॉस करके इस मंडीप खोल गुफा तक पहुंचा जाता है। तो मंडीप खोल गुफा ये कहाँ मौजूद है, गंडई राजनांदगांव में, राजनांदगांव जिले में मौजूद है जहाँ पे एक शिवलिंग है, इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका जैव विविधता पार्क। जैव विविधता पार्क आप सभी को मालूम होगा, काफ़ी पहले से चलते आ रहा है ये करंट अफेयर। जैव विविधता पार्क ये कहाँ पर आपका विकसित किया जा रहा है, ये विकसित किया जा रहा है आपका मोहरेंगा, रायपुर मोहरेंगा, मोहरेंगा खरोरा रायपुर, खरोरा रायपुर के मोहरेंगा में आपका जैव विविधता पार्क विकसित किया जा रहा है। साथ ही साथ इस जैव विविधता पार्क को अब प्राकृतिक तौर पर प्राकृतिक पक्षी विहार के रूप में भी इसे विकसित किया जा रहा है। देखिए ये जो आपका जैव विविधता पार्क इसे काफ़ी समय से ये इसके लिए भूमि अलॉट कर दी गई है, लेकिन अभी छत्तीसगढ़ के वन विभाग ने यहाँ इसे इस जैव विविधता पार्क को बायोडाइवर्सिटी पार्क के साथ साथ आपका प्राकृतिक पक्षी विहार के रूप में डेवलप किए जाने की भी घोषणा कर दी है। इंपॉर्टेंट है याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ का जैव विविधता पार्क मोहरेंगा रायपुर, छत्तीसगढ़ का प्राकृतिक पक्षी विहार कहां पर है, मोहरेंगा रायपुर में, इंपॉर्टेंट है याद रखना। नेक्स्ट है आपका रामबूटी जलप्रपात। रामबूटी जलप्रपात ये कहां पर मौजूद है, ये मौजूद है आपके किरंदुल दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा जिले के किरंदुल में मौजूद है आपका रामबूटी जलप्रपात या रामाबूटी जलप्रपात। ये करंट अफेयर का न्यूज नहीं है, ये एक एक्सीडेंटल न्यूज है। एक्सीडेंटल न्यूज मतलब हाल फिलहाल में यहां पे कुछ असामाजिक तत्वों ने इस रामाबूटी जलप्रपात के आसपास जो जंगल है सूखे जंगलों में वहां पे आग लगा थी। आग इतनी भीषण थी कि वहां पे 2 या 3 दिन तक इस आग को कंट्रोल कर पाना काफी मुश्किल था। इम्पॉर्टेंट ये करंट अफेयर के दृष्टिकोण से नहीं है, ये जीएस के दृष्टिकोण से। आप सभी को मालूम है कि छत्तीसगढ़ में अब प्रश्न पूछे जाने का स्तर काफ़ी बढ़ा चुका है, कहीं से भी एक नए प्रश्न आता है जिसका ऑथेंटिक सोर्स हमारे पास नहीं रहता। तो ऐसे सब चीज़ों को अगर आप न्यूज़ में पढ़ते हैं तो उसे नोट डाउन करते हुए चलिएगा, प्रश्न आएगा नहीं आएगा वो अलग बात है, लेकिन रामाबूटी जलप्रपात कहाँ है एक माइंड सेट में रखिएगा, किरंदुल दंतेवाड़ा में। ठीक, नेक्स्ट है आपका केवटी ग्राम। केवंटी ग्राम भानु प्रताप कांकेर में, भानु प्रताप कांकेर में है आपका केवंटी ग्राम। अभी हाल फिलहाल में इस केवटी ग्राम को आपका रावाघाट परियोजना से जोड़ा गया है। रावाघाट परियोजना जो कि आपके भिलाई इस्पात संयंत्र के लिए जो आयरन ओर की सप्लाई करने के लिए आपके एक रेल मार्ग स्थापित किया जा रहा है या रेल मार्ग डेवलप किया जा रहा है। ये जो रेल मार्ग है ये आपका रावाघाट परियोजना के अंतर्गत दल्ली राजरा से इसे जोड़ा जा रहा है रावाघाट तक। अभी ये निर्माण कार्य पूरा नहीं हुआ है, देखिए इसको कैसे जोड़ा जाएगा, दल्ली राजरा के बाद गुदुम, गुदुम के बाद भानु प्रतापपुर के बाद इसे जोड़ा जाना था आपके रावाघाट से, लेकिन
इस भानु प्रतापपुर के बाद अब इसे जोड़ा गया है केवटी ग्राम। केवटी ग्राम ये एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र है, तो ये रावाघाट परियोजना का ही एक पार्ट है। याद रखिएगा आपका दल्ली राजरा के बाद गुदुम के बाद भानु प्रतापपुर के बाद अगला है आपका केवटी के बाद नेक्स्ट स्टेज में आपका जो रेल परिपथ वहां पे बिछाया जाएगा वो फाइनल होगा आपका रावाघाट तक के लिए। ठीक, देखिए ये जो केवटी है, केवटी में आपका जो रेल परिपथ बिछाया जा रहा था तो वो सबसे ज़्यादा चैलेंजिंग इसलिए था क्योंकि यहाँ पे थी एक आपकी खंडी नदी, जहाँ पे आपका रेल परिपथ बिछाना काफ़ी चैलेंजिंग था। क्यों? क्योंकि एक तो नदी का जो पानी है उसे हटा करके वहाँ पे आपका रेल मार्ग बिछाना था, साथ ही साथ एक नक्सल प्रभावित क्षेत्र भी था, तो इसे बिछाने के लिए काफ़ी समय भी लगा। तो एक आपको याद क्या रखना है यहाँ पे, खंडी नदी कहाँ पर प्रवाहित होती है? ये प्रवाहित होती है आपके भानु प्रतापपुर में। GS का टॉपिक है, याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट है आपके व्यक्ति विशेष में आपको याद रखना है, पहले नंबर पर है आपके छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता नियुक्त किए गए हैं आपके सतीश चंद्र वर्मा जी को आपका छत्तीसगढ़ के नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है। काफ़ी कॉन्ट्रोवर्शियल रहा इनका जो नियुक्ति है, कनक तिवारी जी को हटाया गया और उनके जगह आपके नए महाधिवक्ता के रूप में नियुक्त किया गया है आपके सतीश चंद्र वर्मा को। नेक्स्ट है आपके BSP CEO भिलाई स्टील प्लांट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी के तौर पर नियुक्त किया गया है आपके अनिबर्ण दास को भिलाई स्टील प्लांट CEO या भिलाई इस्पात संयंत्र के कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है अनिबर्ण दास। नेक्स्ट है आपका रेणुका सिंह सरुता, इनका पूरा नाम है, रेणुका सिंह के नाम से हम सब जानते हैं, रेणुका सिंह सरुता इनका पूरा नाम है। ये आपके अनुसूचित जनजातीय क्षेत्र सरगुजा से आपके लोकसभा की सांसद चुनी गई है। ठीक, ये रेणुका सिंह सरुता को आपका नरेंद्र मोदी कैबिनेट में राज्य मंत्री के रूप में इन्हें दर्जा दिया गया है। देखिए मोदी कैबिनेट में चुने जाने वाली ये छत्तीसगढ़ की एकमात्र महिला सांसद है। ठीक, जिन्हें राज्य मंत्री का दर्जा मिला है मोदी कैबिनेट में। इन्हें जो विभाग अलॉट हुआ है वो है आदिवासी मामलों से संबंधित मंत्रालय, आदिवासी या जनजाति मामलों से संबंधित मंत्रालय, मिनिस्टर ऑफ स्टेट इन दी मिनिस्ट्री ऑफ ट्राइबल अफेयर्स। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका राइस मैन ऑफ द छत्तीसगढ़। देखिए ये इतना इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक बेसिक नॉलेज के लिए याद रखिएगा, राइस मैन ऑफ द छत्तीसगढ़ जिन्हें केंद्रीय कृषि मंत्रालय के द्वारा आपका सीड सेवियर अवार्ड यानी बीजों के संरक्षण से संबंधित जो अवार्ड होता है सीड सेवियर अवार्ड से नवाजा गया है। ये राइस मैन ऑफ द छत्तीसगढ़ ये जाने जाते हैं आपके शिवनाथ यादव को राइस मैन ऑफ द छत्तीसगढ़ के नाम से जाना जाता है। ये बस्तर क्षेत्र में आपके 300 से अधिक धान की प्रजातियों की ये खेती करते हैं, स्वयं की भूमि में आपके 300 से अधिक धान की प्रजातियों की खेती करते हैं। ये छत्तीसगढ़ में ये राइस मैन ऑफ द छत्तीसगढ़ के नाम से इन्हें जाना जाता है। बस ये बेसिक नॉलेज के लिए इनका नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है आपका रिकॉर्ड रिपोर्ट और रैंकिंग। देखिए एनाकोंडा क्या है? SECR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे, दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे। इसका मुख्यालय कहाँ है? हमारे बिलासपुर में। तो बिलासपुर SECR दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे बिलासपुर के रायपुर डिवीजन में एक रिकॉर्ड बनाया गया, नेशनल रिकॉर्ड बनाया गया है जहाँ पे 3 इंजन की सहायता से 2 किलोमीटर लंबी 117 डब्बों वाली मालगाड़ी को मात्र एक लोको पायलट ने खींचा। देखिए एक्चुअली में ये रिकॉर्ड क्यों बना, क्योंकि मात्र एक लोको पायलट ने लगभग 2 किलोमीटर लंबी 117 डब्बों की मालगाड़ी श्रृंखला को अकेले एक लोको पायलट ने चलाया। देखिए ये जो है इसका नाम एनाकोंडा क्यों रखा है, एनाकोंडा एक सांप की प्रजाति है, आप सभी को मालूम होगा एनाकोंडा जो कि भारी भरकम शरीर वाला और काफ़ी लंबा सांप होता है। मालगाड़ी में यदि आप कोयला वोयला कुछ भी सामान लोडेड है तो ऑलरेडी काफ़ी भारी होता है, और दूसरी बात श्रृंखला लंबी है, इसलिए इसका नाम रखा गया है एनाकोंडा।
इसमें तीन इंजन लगे हुए थे, तीन इंजन। इतनी बड़ी श्रृंखला को खींचने के लिए कम से कम 3 से 4 लोको पायलट की जरूरत होती है, लेकिन रायपुर डिवीजन के एक लोको पायलट ने अकेले, लगे हुए थे भले इसमें तीन इंजन, लेकिन एक इंजन सबसे सामने वाले इंजन में वो लोको पायलट स्वयं बैठा हुआ था और बीच में दो इंजन और लगे हुए थे जिसे उसने अकेले ही इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसमिशन के जरिए उन दोनों इंजन को भी उसने कंट्रोल किया और इतनी बड़ी लंबी श्रृंखला को उसने अकेले खींचा। इस कारण से ये एक नेशनल रिकॉर्ड बन गया है। तो एनाकोंडा क्या है? एनाकोंडा रायपुर डिवीजन में एक मालगाड़ी की एक लंबी श्रृंखला का एक नेशनल रिकॉर्ड है। ठीक, नेक्स्ट है आपका बेरोजगारी दर। बेरोजगारी दर देखिए, पिछले बार के जो करंट अफेयर में मैंने जो बेरोजगारी दर बताया था उसमें एक कमेंट मेरे को सुनने के लिए मिला कि एनएसएसओ की जो रिपोर्ट आई थी वो एक लीक रिपोर्ट थी। मतलब एक न्यूज़पेपर ने एनएसएसओ की आपके एक लीक रिपोर्ट को अपने न्यूज़पेपर में उसने पब्लिश किया था। ठीक है, हमारे लिए लेकिन इम्पॉर्टेंट था, लेकिन अभी आप सभी को मालूम है कि इस महीने आपका बेरोजगारी दर का ऑलरेडी गवर्नमेंट का अप्रूवल हुआ, आपका डाटा आ चुका है। लीक रिपोर्ट में और इस रिपोर्ट में कोई ज़्यादा अंतर नहीं है। पिछले 45 वर्षों में जो एनएसएसओ की आपका जो एक सर्वे एजेंसी है, उसकी पीरियोडिक फोर्स एजेंसी ऐसे कुछ नाम है, उसके द्वारा जो सर्वे किया गया, ये एनएसएसओ के अंडर ही एक एजेंसी है। ठीक, उसके द्वारा जो आपका सर्वे किया गया उसके आधार पर आपके नेशनल लेवल पर, नेशनल लेवल यानी राष्ट्रीय स्तर पर जो बेरोजगारी दर है वो है आपका 6.1% है आपका बेरोजगारी दर। इसमें लगभग 10 लाख की आबादी वाले 45 शहरों की अलग से, 45 शहरों की 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों की अलग से यहां पे बेरोजगारी दर इसमें दिखाया गया है। देखिए, उस बेरोजगारी दर में हमारा जो रायपुर है, रायपुर आपके 14वें स्थान पर है। ठीक, 10 लाख से अधिक आबादी वाले शहरों में, 10 लाख से अधिक आबादी वाले 45 शहरों में हमारा रायपुर 14वें स्थान पर है। रायपुर की बेरोजगारी दर है आपके 4.4%। ठीक, यदि हम 45 शहरों में यदि देखें तो सर्वाधिक बेरोजगारी है आपका प्रयागराज। प्रयागराज में आपका सर्वाधिक बेरोजगारी है, बेरोजगारी दर है यहाँ पे 8.9%। ठीक, नेशनल अनएम्प्लॉयमेंट रेट से काफ़ी ज़्यादा। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर कितना है? 6.1%। प्रयागराज में कितना है? 8.9%। पहले नंबर पर है प्रयागराज 8.9%, दूसरे नंबर पर है आपका मेरठ 8.5% और तीसरे नंबर पर है आपका पुणे जहां पर है 7.5%। प्रयागराज उत्तर प्रदेश, मेरठ सेकंड नंबर पर, मेरठ उत्तर प्रदेश, तीसरे नंबर पर पुणे महाराष्ट्र। ठीक, सबसे न्यूनतम है आपके वसई विरार में। वसई विरार में सबसे न्यूनतम बेरोजगारी दर है यहाँ पर है 0.1%। ठीक, वसई विरार ये आपका महाराष्ट्र का एक शहर है, महाराष्ट्र के एक शहर वसई विरार में आपका बेरोजगारी दर है 0.1%। ठीक, देखिए अब जो आपके एनएसएसओ की रिपोर्ट आई है इसे भी अलग अलग डिवाइड किया गया। देखिए, राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर है 6.1%, शहरी स्तर पर बेरोजगारी दर है 7.8%, ग्रामीण स्तर पर बेरोजगारी दर है 5.3%, पुरुषों में बेरोजगारी दर है 6.2%, महिलाओं में बेरोजगारी दर है 5.7%। इंडिविजुअल है, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। राष्ट्रीय स्तर पर बेरोजगारी दर 6.1%, शहरी क्षेत्र में बेरोजगारी दर 7.8%, ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगारी दर 5.3%, पुरुषों में बेरोजगारी दर 6.2%, महिलाओं में बेरोजगारी दर 5.7%। ठीक, देखिए नेक्स्ट है आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन। देखिए ये जो होता क्या, देखिए पहली चीज़ तो मैं ये बता दूं कि हमारे जो ये YouTube चैनल है इसमें यदि कोई ऐसे हमारे सब्सक्राइबर होंगे जो पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक दल को सपोर्ट करते हो या पर्टिकुलर बीजेपी के आपके एकदम जुझारू कार्यकर्ता हो या आपके कांग्रेस के एकदम जुझारू कार्यकर्ता हो, तो उनसे निवेदन करूंगा कि भाई प्लीज़ मेरे चैनल को अनसब्सक्राइब कर दीजिएगा। क्योंकि मैंने ये देखा है कि मैं कोई भी करंट अफेयर का कंटेंट शेयर करता हूँ या कुछ भी करता हूँ, यदि उसमें बीजेपी से रिलेटेड यदि कुछ मैंने गलत शेयर किया या उनकी कुछ निगेटिव चीज़ें मैंने शेयर की तो पूरे कांग्रेस कार्यकर्ता कूद पड़ते हैं। कांग्रेस से रिलेटेड कुछ निगेटिव, मैं कुछ निगेटिव नहीं बोलता, बस न्यूज़ शेयर करता हूँ, तो ये बीजेपी और कांग्रेस के कार्यकर्ता वाले विद्यार्थी पहले टूट पड़ते हैं। भाई ऐसे करते रहोगे तो कार्यकर्ता ही बन के रह जाओगे, उससे ज़्यादा कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक, तो हाँ, और दूसरी चीज़ ये, बोर्ड पे काफ़ी लिमिटेड चीज़ मैं लिख सकता हूँ,
अगर आपको डेली करंट अफेयर से अपडेट होना है तो हमारा एक फेसबुक पेज भी है, एक टेलीग्राम चैनल भी है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन पे है, जाकर के आप उसमें जुड़ सकते हैं। वहां पे मैं डेली बेसिस पे करंट अफेयर के कंटेंट आपको शेयर करता हूँ, ठीक। वहां पे ये सारे चीजों के आपके डिटेल में आपको चीजें मिल जाएगी। फेसबुक में चीज़ें जो मैं शेयर करता हूँ, जैसे पेपर के कट पीस के फोटो मैं शेयर करता हूँ, तो उसमें थोड़े धुंधले रहते हैं। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि हो सके तो आप टेलीग्राम में जाके जुड़िएगा। टेलीग्राम में जिस साइज का फाइल रहता है उसी साइज का फाइल शेयर होता है। फेसबुक में जो मैं फाइल शेयर करता हूँ या जो फोटो शेयर करता हूँ वो ऑटोमेटिकली कंप्रेस होने के कारण धुंधले हो जाते हैं, ठीक। तो मैं जो बोल रहा था जैसे कुछ नीतियों के बारे में, जैसे अभी आप सभी को मालूम होगा कि रायपुर का नाम नवा रायपुर कर दिया गया, नया रायपुर से, ठीक। उसके अलावा छत्तीसगढ़ का जो प्रतीक वाक्य जो विश्वसनीय छत्तीसगढ़ है उसे चेंज कर दिया गया, आपका गढ़बो नया गढ़बो नवा छत्तीसगढ़, ठीक। वो सारे चीजों को मैं ये करंट अफेयर में के कंटेंट में मैं शामिल नहीं कर रहा हूं। क्यों शामिल नहीं कर रहा हूं? फिर से सरकार चेंज होगी, फिर से ये चीजें बदल जाएगी और ये चीजें आपके एग्जाम में पूछे भी नहीं जाने वाले, ठीक। तो कोई भी ऐसे हमारे अगर सब्सक्राइबर होंगे तो आपको फिर से बोल रहा हूँ, निवेदन कर रहा हूँ, चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ऐसे हमको नहीं चाहिए सब्सक्राइबर कि जो पर्टिकुलर किसी एक राजनीतिक दल के समर्थन करते हो। पार्शियल होकर के चीज़ों को समझा कीजिए, पढ़ा कीजिए। देखिए जैसे आपका ये पंडित जवाहरलाल नेहरू सौर मिशन है, ये काफ़ी समय से ठंडे बस्ते में पड़ा हुआ था। क्यों? क्योंकि हमारे पास बीजेपी की सरकार थी। बीजेपी की सरकार क्या लाई थी? आपकी सौर ऊर्जा नीति लाई थी। सौर ऊर्जा नीति जो कि आपका 2017 से लेकर के 2027 तक का था। अब आ गई है कांग्रेस की सरकार। कांग्रेस की सरकार ने अब उस सौर ऊर्जा नीति को ठंडे बस्ते पर डाल दिया है और जो उनके राजनेता वाले जो नाम है, उनके राजनेताओं के नाम से जो चलाए जा रहे जो भी नए योजनाएँ हैं उन पर अब वे कार्य कर रहे हैं। मतलब जो सौर ऊर्जा नीति 2017 से लेकर 2027 तक था वो अब हो गया साइड। सौर ऊर्जा के ऊपर कार्य किए जाएंगे लेकिन किसके अंडर में कार्य किए जाएंगे? पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत, ठीक। मैं उन योजनाओं को भी कवर नहीं कर रहा हूं जो पंडित दीनदयाल उपाध्याय से संबंधित, जो भी उनके नाम से संबंधित जो भी योजनाएं थे उनको फिर परिवर्तित किया जा रहा है आपके राजीव गांधी के नाम पर, ठीक। तो ऐसे मिशनों को मैं करंट अफेयर में शामिल नहीं करूंगा। देखिए कंटिन्यू करते हैं, पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन, ये जो आपका पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन है इसमें आपका वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा से 600 मेगावाट आपके विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है, ठीक। पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत छत्तीसगढ़ की प्रदेश सरकार ने वर्ष 2022 तक सौर ऊर्जा के माध्यम से 600 मेगावाट आपके विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा है। इसी कड़ी में, मतलब ये पंडित जवाहरलाल नेहरू मिशन के अंतर्गत ही आपका मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना आपका मोर छत मोर बिजली योजना लागू किया गया है। इस पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है कि 2022 तक हम 600 मेगावाट विद्युत का उत्पादन सौर ऊर्जा के माध्यम से करेंगे, तो इसी लक्ष्य को पाने के लिए प्रदेश में एक और नई योजना लागू किया गया है। उस योजना का नाम है मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना मोर छत मोर बिजली योजना, ठीक। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इस मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना के अंतर्गत ये जो लागू किया गया है इसके अंतर्गत जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है ये 50 मेगावाट इस चालू वित्तीय वर्ष में, चालू वित्तीय वर्ष मतलब 2019-20, इस चालू वित्तीय वर्ष में इस 600 मेगावाट के लक्ष्य को पाने के लिए इस चालू वित्तीय वर्ष में 50 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है। हमको 600 मेगावाट कब तक पाना है? दो तक, लेकिन इस वित्तीय वर्ष में 2019-20 के वित्तीय वर्ष में 50 मेगावाट का लक्ष्य रखा गया है इस मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना मोर छत मोर बिजली योजना के अंतर्गत, ठीक। अब देखिए इस योजना के अंतर्गत 300 शासकीय भवनों का चयन किया गया है जिसमें 15 मेगावाट तक के आपके सोलर सिस्टम को वहाँ पर स्थापित किया जाएगा, ठीक। देखिए ये जो क्रेडा जो कि हमारे यहाँ रिन्यूएबल एनर्जी से आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है, रिन्यूएबल एनर्जी मतलब आपके विंड एनर्जी हो गया, सोलर एनर्जी हो गया, इसके माध्यम से जो आपके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता है वो करता है आपका क्रेडा। तो क्रेडा के माध्यम से वर्तमान में इस रिन्यूएबल एनर्जी मतलब विंड एनर्जी सोलर एनर्जी एक्सेट्रा इसके माध्यम से 783 मेगावाट का आपका विद्युत उत्पादन किया जा रहा है रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से, ठीक। देखिए
इस 783 मेगावाट में से 45 मेगावाट रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से उत्पादन किया जा रहा है। क्रेडा के द्वारा 783 मेगावाट आपका एनर्जी रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। इस 783 में से 45 मेगावाट सोलर एनर्जी के माध्यम से रूफ टॉप सोलर पावर प्लांट के माध्यम से आपका इलेक्ट्रिसिटी जनरेट किया जा रहा है। इंपॉर्टेंट है, आंकड़े याद रखिएगा, इस डेट को भी याद रखिएगा, 2022 तक पंडित जवाहरलाल नेहरू सोलर मिशन के अंतर्गत 600 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। इसी कड़ी में एक नई योजना लागू किया गया है, मुख्यमंत्री सौर शक्ति योजना मोर छत मोर बिजली योजना, जिसके अंतर्गत इस चालू वित्तीय वर्ष में 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन का सौर ऊर्जा के माध्यम से 50 मेगावाट विद्युत उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है। क्रेडा के द्वारा वर्तमान में 783 मेगावाट का विद्युत उत्पादन आपके रिन्यूएबल एनर्जी के माध्यम से किया जा रहा है, जिसमें से आपका 45 मेगावाट सोलर एनर्जी के माध्यम से आपका विद्युत उत्पादन किया जाता है क्रेडा के द्वारा। देखिए नेक्स्ट है आपका पंचायत एवं नगरीय निकाय। पंचायत एवं नगरीय निकाय, बहुत से लोग फेसबुक व्हाट्सएप हर जगह कई लोग के डाउट रहते हैं कि वर्तमान में आपके पंचायत जिला पंचायत जनपद पंचायत ग्राम पंचायत की संख्या कितनी है, नगर पालिका नगर निगम नगर परिषद और आपके नगर पंचायत की संख्या कितनी है, बहुत लोग के डाउट रहते हैं। तो आज आप अपना डाउट क्लियर कर लीजिए। गवर्नमेंट की तरफ से ऑफिशियली डिक्लेयर कर दिया गया है कि नवंबर दिसंबर में छत्तीसगढ़ में आपके पंचायत एवं नगरीय निकाय के चुनाव होने वाले हैं। उसी के साथ साथ उसने अपने जो अपडेटेड डाटा है वो भी उसने न्यूज़ में आपके पब्लिश किए थे। देखिए याद रखिएगा, अभी वर्तमान में छत्तीसगढ़ में जो आपका जिला पंचायत है, जिला पंचायतों की संख्या है 27। छत्तीसगढ़ में 27 जिले हैं, तो 27 जिले हैं तो जिला पंचायत कितने होंगे, 27। ठीक, 27 जिला पंचायत है, जनपद पंचायत की संख्या है 146, ग्राम पंचायत की संख्या है 10,976। जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, जिला पंचायत 27, जनपद पंचायत 146, ग्राम पंचायत 10,976। ठीक, अब नगरीय निकाय को देखिए। नगरीय निकाय पहले नंबर पर है आपका नगर पालिका निगम। नगर पालिका निगम या छत्तीसगढ़ में नगर निगम की संख्या कितनी है, 13। नगर पालिका परिषद या नगर परिषद की संख्या है आपके 44 और नगर पंचायत की संख्या है आपका 111। इंपॉर्टेंट आंकड़े है, याद रखिएगा, नगर निगम 13, नगर परिषद 44, नगर पंचायत 111। ठीक, देखिए अब हम नेक्स्ट चलते हैं आपके लोकसभा चुनाव, छत्तीसगढ़ लोकसभा चुनाव 2019 पर। इसको हम थोड़ा मैप के जरिए पढ़ेंगे, काफ़ी ज़्यादा आंकड़े, बहुत सारे आंकड़े हैं इसमें, एक एक करके जो बता रहा हूँ उसे समझना। ग्रीन कलर से जो लिखे गए हैं वो आपके पुरुष सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में टोटल 11 लोकसभा की सीट है। 11 लोकसभा की सीटों में आपके जो ये ग्रीन कलर से लिखे हैं ये सब आपके पुरुष सांसद हैं, रेड कलर से जो लिखे गए हैं वो आपके महिला सांसद हैं। छत्तीसगढ़ में जो 11 लोकसभा सीट है उसमें से आपकी जो 9 सीट है, 9 सीट बीजेपी की है, 2 सीट कांग्रेस की है, टोटल है आपका 11। ठीक, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में आपके कितने महिला सांसद हैं, लोकसभा में कितने महिला सांसद चुने गए हैं छत्तीसगढ़ से, तो 3 महिला सांसद हैं। देखिए पहले सबका नाम देख लेते हैं हम, फिर इससे संबंधित आगे के आंकड़े को देखते जाएंगे। देखिए सबसे पहले नंबर पर है बिलासपुर। बिलासपुर में चुने गए हैं आपके अरुण साव। बिलासपुर देखिए सब कॉर्नर से होते हुए चलेंगे फिर बीच में सेंटर में आएंगे। बिलासपुर से चुने गए हैं आपके अरुण साव। ठीक, नेक्स्ट है राजनांदगांव। राजनांदगांव से चुने गए हैं आपके संतोष पांडे। ठीक, उसके बाद है आपका बस्तर। बस्तर से जीते हैं आपके दीपक बैच। ठीक, बस्तर के ऊपर है आपका कांकेर। कांकेर से जीते हैं आपके मोहन मंडावी। उसके बाद है आपका दुर्ग। दुर्ग में है आपके विजय बघेल। रायपुर में है आपके सुनील सोनी। रायपुर से जो लोकसभा सांसद चुने गए हैं वो है आपके सुनील सोनी। उसके ऊपर है आपका महासमुंद। महासमुंद से आपके लोकसभा सांसद चुने गए हैं आपके चुन्नीलाल साहू। जांजगीर चांपा से चुने गए हैं आपके गुहाराम अजगले। जांजगीर चांपा से लोकसभा सांसद चुने गए हैं आपके गुहाराम अजगले। ठीक, अब देखिए, अब 3
तीन महिला सांसद सभी के सभी ऊपर ही है, छत्तीसगढ़ के ऊपर ऊपरी जिलों में आपके महिला सांसद है या ऊपरी लोकसभा क्षेत्र में आपके महिला सांसद है। सबसे पहले नंबर पर है आपका सरगुजा, सरगुजा में है आपके रेणुका सिंह जिसे मोदी के मंत्री मंडल में या मंत्री परिषद में, नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में आपके राज्य मंत्री का दर्जा, आपके आदिवासी मामलों से संबंधित राज्य मंत्री का दर्जा मिला है। ठीक, नेक्स्ट है कोरबा में है आपकी ज्योत्सना महंत। और तीसरे नंबर पर है रायगढ़ में है आपकी गोमती सहाय। 2014 में छत्तीसगढ़ में हुए लोकसभा चुनाव में महिला सांसदों की संख्या थी मात्र एक। 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से महिला सांसदों की संख्या है तीन। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, यदि प्रश्न पूछा जाए कि छत्तीसगढ़ में हुए 2019 में हुए लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ से चुनी गई महिला सांसदों की संख्या कितनी है, तो तीन है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंत्री परिषद में चुनी गई आपकी लोकसभा सांसद कौन सी है? ठीक, नरेंद्र मोदी जी के आपके मंत्री परिषद में चुनी गई एकमात्र महिला सांसद कौन है, तो वो है आपकी रेणुका सिंह। ठीक, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, इनके नाम भी याद रखिएगा, इनके लोकसभा क्षेत्र को भी याद रखिएगा। रेणुका सिंह सरगुजा, ज्योत्सना महंत आपके कोरबा, और रायगढ़ से है आपकी गोमती सहाय। तीनों का नाम याद रखिएगा, तीनों के लोकसभा क्षेत्र के नाम भी याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। देखिए, नाम याद करने में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। देखिएगा, रेणुका सिंह क्यों, इसको कैसे याद रखेंगे, नरेंद्र मोदी जी के मंत्री परिषद में इनको जगह मिला है, आप सभी को नाम भी याद हो गया होगा। कौन है? रेणुका सिंह सरगुजा लोकसभा क्षेत्र की सांसद है। ठीक, नेक्स्ट आता है कोरबा में है आपकी ज्योत्सना महंत। देखिए, विधानसभा चुनाव, लोकसभा से पहले विधानसभा चुनाव हुए, विधानसभा चुनाव में किसकी सरकार बनी है? कांग्रेस की सरकार बनी है। तो विधानसभा, छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? छत्तीसगढ़ के विधानसभा के अध्यक्ष है आपका चरणदास महंत की धर्मपत्नी है आपकी ज्योत्सना महंत। तो रेणुका सिंह नरेंद्र मोदी से याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में भूपेश बघेल से आपके चरणदास महंत से याद रखिएगा ज्योत्सना महंत को, रायगढ़ से गोमती सहाय, नाम याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक, अब देखिए, छत्तीसगढ़ में जो लोकसभा चुनाव 2019 हुए उसमें सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीते हैं आपके विजय बघेल। उन्होंने अपने प्रतिद्वंदी को 391,000 वोटों से हराया। छत्तीसगढ़ के लोकसभा के इतिहास में यह अब तक सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले लोकसभा सांसद प्रत्याशी है। ठीक, देखिए, इससे पहले जो आपके छत्तीसगढ़ में वर्ष 1951-52 से हुए लोकसभा चुनाव में, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र की बात करो, पहले तो आपके 51-52 के समय छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का एक हिस्सा था, लेकिन ये जो छत्तीसगढ़ वाला जो क्षेत्र है उसमें ये रिकॉर्ड था आपके चंदूलाल चंद्राकर के नाम पे। चंदूलाल चंद्राकर ने अपने प्रतिद्वंदी को 311,000 वोटों से हराया था। वर्ष 1984 में हुए लोकसभा चुनाव में चंदूलाल चंद्राकर ने अपने प्रतिद्वंदी को 311,000 वोटों से हराया था, लेकिन लोकसभा चुनाव 2019 में उनके रिकॉर्ड को तोड़कर छत्तीसगढ़ के इतिहास में लोकसभा में सर्वाधिक वोटों के अंतर से जीतने वाले आपके प्रत्याशी बन गए हैं विजय बघेल, 391,000, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। कांकेर के मोहन मंडावी जो लोकसभा चुनाव 2019 में सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं, 5,377 लोकसभा चुनाव 2019 में छत्तीसगढ़ में सबसे कम वोटों के अंतर से जीते हैं आपके मोहन मंडावी। ठीक, अब देखिए, बीजेपी के नौ सांसद हैं, कांग्रेस के हैं आपके दो सांसद। बीजेपी के नौ कौन हैं वो हमारे इम्पॉर्टेंट नहीं है, कांग्रेस के दो कौन से हैं ये अगर हम जान गए तो बीजेपी के नौ को भी हम जान जाएंगे। कांग्रेस के दो, देखिए, इससे पहले एक करंट अफेयर का अपडेट याद रखिएगा, छत्तीसगढ़ में अभी दो जगह ऐसे है या दो विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जहां पे उप चुनाव होने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के दो लोकसभा क्षेत्र नहीं बोल रहा हूँ, छत्तीसगढ़ के दो विधानसभा क्षेत्रों में आपके उप चुनाव होने वाले हैं। पहला है आपका ये दीपक बैज, ये जो दीपक बैज है इनका जो विधानसभा क्षेत्र, देखिए, कोई एक व्यक्ति विधानसभा चुनाव भी लड़ सकता है और विधायक होते हुए वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकता है। ठीक, एक व्यक्ति विधानसभा में विधायक भी रह सकता है और विधायक रहते हुए वो लोकसभा चुनाव भी लड़ सकता है, लेकिन किसी एक पद पर ही वो बना रहेगा, या तो वो विधायक ही रहेगा या तो वो सांसद ही बन सकता है लोकसभा का। ठीक, तो जो दीपक बैज है, दीपक बैज आपके
बस्तर में, बस्तर के चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र के ये विधायक थे। विधानसभा चुनाव में चित्रकूट विधानसभा क्षेत्र से विधायक चुन करके आए थे। लेकिन अभी लोकसभा चुनाव हुआ तो लोकसभा चुनाव में आपके दीपक बैज लोकसभा में सांसद चुने गए। ये जो दीपक बैज है ये आपके कांग्रेस के ये विधायक है और कांग्रेस की तरफ से ही ये आपके लोकसभा के सांसद चुने गए हैं। ठीक, तो इनके जगह इनकी सीट खाली हो गई चित्रकूट से। दूसरे है आपके यहीं पर है आपका भीमा मंडावी, दंतेवाड़ा की जो भीमा मंडावी है, देखिए दंतेवाड़ा की भीमा मंडावी आपके विधानसभा में विधायक चुने गए थे, लेकिन हाल फिलहाल में हुए नक्सलाइट हमले में इनकी हत्या कर दी गई, जिसके कारण आपके दंतेवाड़ा का जो विधायक का सीट है ये भी खाली हो गया है। तो छत्तीसगढ़ में दो विधायक की सीट खाली है, एक आपके दंतेवाड़ा जो कि भीमा मंडावी जिनकी नक्सलवादियों के द्वारा हमला किए जाने के बाद उनकी हत्या कर दी गई, और दूसरा है दीपक बैज कांग्रेस प्रत्याशी। भीमा मंडावी बीजेपी से थे, दीपक बैज आपके कांग्रेस के है, तो ये आपके लोकसभा सांसद बन गए, इनकी सीट खाली हो गई। तो ये आपके चित्रकूट और आपका दूसरा दंतेवाड़ा, इन दो जगहों पर, इन दो विधानसभा क्षेत्र पे आपके अभी 6 माह के भीतर विधानसभा चुनाव होंगे। इससे आपको क्या मालूम चला, दीपक बैज आपके कांग्रेस प्रत्याशी है। ठीक, छत्तीसगढ़ में कितने, दो कांग्रेस प्रत्याशी है, एक हो गए दीपक बैज और दूसरा है आपका ज्योत्सना महंत। जैसे कि मैंने बताया चरणदास महंत की धर्मपत्नी है चरणदास महंत, जो कि आपके कांग्रेस कैंडिडेट है, तो जाहिर सी बात है उनकी पत्नी भी कांग्रेस से की तरफ से ही खड़ी होगी। तो छत्तीसगढ़ में दो कांग्रेस की जो आपकी लोकसभा की जो सीट से जो उन्होंने चुनाव जीता है, एक है आपके दीपक बैज और दूसरी है आपकी ज्योत्सना महंत, एक पुरुष एक महिला। ठीक, दो के नाम हो गए याद, और बाकी जो भी बचे हुए हैं ये सभी के सभी आपके कांग्रेस के तरफ से हैं। ठीक, छत्तीसगढ़ में लोकसभा चुनाव 2019 में तीन स्तर पर आपके चुनाव हुए, तीन चरणों में आपके चुनाव हुए। यदि हम ओवरऑल एवरेज देखें, तीनों चरणों का यदि हम एवरेज देखें, तो ओवरऑल जो परसेंटेज रहा छत्तीसगढ़ में 71.48%, 71.48% मतदान हुए। छत्तीसगढ़ में कुल पंजीकृत मतदाताओं में से 71.48% मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किया। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, जितनी चीज़ें मैंने बताई वो सारे चीज़ इंपॉर्टेंट है, सारे चीज़ों को याद रखिएगा। ठीक, तो आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करते हैं। किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।